डिविजनल कमांडर रमेश कुमार और एडीजीपी आनंद जैन जम्मू ने आगामी श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंडी पूंछ का दौरा किया। डाक बंगला पूंछ में भी बैठक की। संवाददाता अमरजीत सिंह को। नमस्कार सर। विश्वाध्यम विश्वबंध्यम निखिलवेणम पंचवत्रं त्रिनेत्रं मां बहुलिये शिवशंकर हरि ओम ओम नमस्ते ध्रमण्यवा तोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते देवोवाच नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च भगवते श्री साम सदाशिवाय नमः अक्षताणि समर्पयामि। तो जो छड़ी मुबारक की तारीख है वो राखी की तारीख उन्नीस में है। तो सर ये जैसे बताया कि सिर्फ वो यात्रा जो सर जो कॉन्वॉय में आ रही है और जहाँ से सबसे जो हर पर शेड्यूल और प्लानिंग से जो लोग आ रहे हैं, बट उसके अलावा काफ़ी लोग का जो जम्मू प्रोविंस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इंडिविजुअली प्राइवेट गाड़ियों में वो आना शुरू हो चुके हुए हैं और अराउंड सर जुलाई एंड में उनकी कदर बहुत बढ़ जाएगी सर। तो हम हमारे जो 1 लाख पिछले साल का ऑफिशियल काउंट था सर वो उसके दौरान दर्शन करते हैं, ग्राउंड पे आते हैं तो पूछते हैं वहाँ। बट अभी फिलहाल सिर्फ हम मंदिर की ही बात करें तो सर जितने भी यात्रीगण आते हैं श्रद्धालु आते हैं उस सबका सर खाना यहाँ भारी होता है सर। हमने इस यात्रा को लेकर बड़े ऐसे दो तीन दिनों में विशेष ले ली है और उसके काम बार पूरी पे हो रहा है और हमें उम्मीद है कि यात्रा आने से पहले ये सारे काम इन टाइम हो जाएंगे। अभी ये छोटा सा इशू है कि यहाँ पे जो हमारे शर्ट बनते हैं यहाँ पे अंदर शर्ट बनते हैं उसके पीछे ड्रेन है, जो ड्रेन है वो उसमें थोड़ी सी चौकिंग हो जाती है। तो हम चाहेंगे जो भी कंसर्न है वो वहाँ पे देख लेगा कि वो जो जॉक ना हो, टॉयलेट वगैरह वो जो जाते हैं वो ना हो, ताकि जो वहाँ लंगर वगैरह की सुविधा ना हो और जो लंगर के शटर बनते हैं उनकी जो लंबाई चढ़ाई है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए ताकि उनको उम्मीद है कि पिछले साल की तरह भी इस साल भी जो है यात्रा को अच्छे हिसाब से होगी, कोई यहाँ मामला नहीं है। जहाँ तक इस ऐसी मीटिंग का तबक है सर, आज वो हमारी पूछी में कहावत है बाहर आई जांच सबक लिए कान, तो इतने छोटे से टाइम में हम क्या डिमांड रखेंगे और क्या काम यहाँ पर होगा। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप आज के हमारे जो मसाइल है वो नोट करें और ताकि अगले आने वाली मीटिंग में इसी जगह जो है आपसे हम सवाल कर सकें कि पिछली मीटिंग में आपने ये सवाल पॉइंट आपको बताए थे, अब आप आए हमें सुनने के लिए। नाले की बात की है, मेरे हिसाब से डिस्कशन हुई है, हमने जो भी मीटिंग भी पहले की है, जो वाला नाला जहाँ से आता है जो क्षेत्रपाल जी ने कृष्ण जी ने भी बात की उसके अंदर हम एक प्लान बना रहे हैं किस तरीके से किया जाए, उसमें करवा दिया जाएगा और उसकी एक बिल्डिंग भी आपके यहाँ टूरिज्म की है उसको भी इस साल में जो है उसको बजट में कम्प्लीट करवाने की कोशिश करें, कम्प्लीट करवा दें। पार्किंग का इशू की बात है उसमें आइडेंटिफाई करके पार्किंग करवाएंगे। मेन बात हुई है यात्री भवन की पहुँच के लिए, इसमें जो यहाँ बूढ़ा अमरनाथ के लिए डेवलपमेंट के लिए एम जी साहब उनके अंदर खुद बड़े उसके प्रोएक्टिव है, उन्होंने एक प्लान बनाया तो हमने यहाँ पे बना के भेजा है जिसमें हमने यहाँ के लिए यात्रियों के लिए समझने के लिए रखा था। तो आप इसे कहते हैं मंडी और वहाँ के लिए जरूर है वहाँ का भी एक प्रपोजल रखेंगे जिससे कि हम ना केवल गवर्नमेंट से बल्कि बड़े सारे लोग भाग से पी एस आर में करके लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि यहाँ के यात्रियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और पी एस पी के निशेषपाल जी बसंत राम जी भूषण कुमार जी। ये मेरा पहला मौका है जब मैं पूछ में आया हूँ और स्थान पर मैंने पूजा अर्चना की,
ये जैसे कि हमारा ये भी फ्यूचर एरिया था और जिसके संदर्भ में सारे डेवलपमेंटल संबंध में जितने भी कार्य हैं उस संबंध में किसान नेता विस्तार से उन पर चर्चा की और सभी चीज़ों के बारे में बताया। तो सुरक्षा के लिहाज से जो इसके इंतजाम था जैसे यात्री हिसाब हमारी यात्रा में जमा हो रहा है तो हम चाहेंगे कि यात्रा के जो है फूलप्रूफ तरीके से इसके इंतजाम होंगे और हम देखेंगे कि इसका फर्दर इजाफा इसकी सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं ताकि जो भी यात्रियों के जो आने और जाने का और उनका कार्य हो काफ़ी सुगम हो और काफ़ी ईजी हो जाए ताकि यात्रा में कोई बाधा ना आए और यात्रा में जैसे कहीं कोई ब्लॉकेज है कहीं कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाता है कोई साइड रोड हो जाती है और जैसे रिजोली का एरिया भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम भी चल रहा है तो उसमें उन इलाकों में सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट रखेंगे अपने ताकि हमारी यात्रा जो है ढंग से चलती रहे और किसी यात्री को कोई तो चाहेंगे कि इसमें और सुधरों को ऑपरेशन है और सारा बचा इसका रिव्यू हम करते रहेंगे जब तक कि हम इसका एक प्रूफ प्लान देंगे शुभकामना समाज की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसको भी और रिव्यू करेंगे हम लोग तभी यात्रा हमारी खुल गई के हवाले जो आपको पता 7 बजे से शुरू हो रही है उसके पूर्ण बंदोबस्त यहाँ से किए गए हैं जिस हिसाब से उसकी साल की यहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ में प्रबंध है जिसमें यात्रियों के आने के लिए रोड का सैनिटेशन का ट्रैफिक का यहाँ पर रहने की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था वो सब कुंभ में जहाँ पर यात्रा रुकेगी उनकी व्यवस्था को देखा है या मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे सिविल सोसाइटी के लोग थे उन सब को नज़र में देखा गया यात्रा के पूर्ण बंदोबस्त किए जा रहे हैं यात्रा पूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से और रिकॉर्ड यात्रा थैंक यू होने से पहले यहाँ आते हैं पिछले साल भी आए थे और आपको सब साथियों में से काफ़ी को याद होगा कि पिछले साल भी हमने ऐसे ही सिविल सोसाइटी की मीटिंग की थी। हम सब जानते हैं कि श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा इस कुंभ जिले की सबसे बड़ा गैदरिंग भी होती है। पिछले साल 1 लाख रजिस्टर्ड यात्री ने दर्शन किया था और पूरे देश से अलग अलग कोनों से जत्थे आए थे इस यात्रा में शामिल हुए थे। ए डी सी चेयरपर्सन सिविल सोसाइटी के तमाम आपका वेलकम करते हैं जहाँ तक यहाँ पहुँच के लोगों में कहीं भी एक देवकान साहब का और एडीजी साहब का इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ जिस साहब ने भी कहा उनका पूछ के साथ जो एक रिश्ता बना हुआ है और ये बार बार जब पूछ में आते थे कि आपको हमारी पूछ की जो है तो इसलिए मैं आपसे एक अच्छा मेरी जोड़ी पूछ मैडम तहजीब आप सिविल सोसाइटी के बैठे हुए मजीन खुशी के लिए रहा यात्रा के मुताबिक मेरी काफ़ी रिक्वेस्ट है कि जितना तावल हमने मुसलमानों ने यात्रा में किया साफा से लेकर स्टेटमेंट तक मंडी तक पर आप बड़ा नाता देखेंगे हमारे प्रधान यहाँ पर बैठे हैं नाथन सुबह के हमारे सामने बहुत बड़े अकोमोडेशन जिस तरह आपको पता है मरदान ही हमारे कहते हैं तो द्वारा सिंह सभा के जो हमारे नियुक्त कर रहे हैं वो ये जो भी हमसे हो सका हम आपको देने के लिए तैयार हैं और आप एक रेवेन्यू ऑफिसर भी बने मैं रेवेन्यू से आपसे वाले से बात करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो गुरुद्वारे की नेम से हमारे फायदे आपने एक आदमी डाला था कश्मीर में तो वो कुछ मौसमी होगी टेम्पल छोटी गुरुद्वारा होगी उनकी नेम्स जो है वो आपको फायदे वक्त के मुताबिक तो वो ये कार्ड हमें जम्मू नजर में निकाले ताकि किसी साल भी हमें उसमें वाक्या हुई हमें एक मुबारक करके दे कि कौन कौन सी जगह हमारी है हमें नंबर खुलाने की जगह नहीं है हमें बैठने की जगह नहीं है एक बाजार में गुरुद्वारा है वहाँ पर एक पार्किंग नहीं हो सकती तो फिर हम गद के बताओ कुछ तेरी रहने वाले यहाँ लोग गुरुद्वारे जिन्हें भी ने और गुरुद्वारे के नाल जिन्नी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कंट्रोल ये मैं नहीं कह रहा नरेंद्र सिंह प्रधान नहीं कह रहे ये सुरजन सिंह नहीं कह रहे ये कानून कह रहा है एक्ट कह रहे पर असं देख रहे हैं फाइल पड़िया साड़िया शिकायत पहुंच गई
पर जिन्हों लोगों ने एनक्रोचमेंट कर ली करोड़ों के हिसाब के नाल जमीन बेच दिखा गुरु घर कानून आपको ये यकीन दिलाने करती हूँ कि इंशाल्लाह हमारी सबकी कोशिश रहेगी कि मिल के इस यात्रा को हम कामयाब बनाएंगे। पीछे जो सलीम साहब ने जिस ढंग से शायरी सुनी मैम थे तो हमने टाइम की पीछे उठे हुए तो मेरी शायरी तो आपको नहीं थी। तो ये कहने का मतलब है कि आपको क्या पंच में पिछले दो साल में पहले मैं रहा हूँ मेरी नौकरी यहाँ से शुरू हुई सब कुछ होगा। दो साल से बहुत सारे पंच नहीं इस नौकरी में बहुत सारे मसले मसाइल बने भी आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे आपका सहयोग मिले जैसे पहले मिलता रहा है